राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मैक्सलुजीगंज रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स के तत्वाधान में मैक्सलुजीगंज के राजा बंगलो स्थित खेल मैदान में चल रहे अंडर 14 समर कप T20 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के तीसरे दिन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच बुधवार को खेला गया। मैच का उद्घाटन DIG रांची अनूप बिरथरे ने किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी चाहे तो खेल से भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैच का पहला सेमीफाइनल हरमो यूथ क्लब एवं अरविंदो क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमो यूथ क्लब ने रिशु के ताबड़तोड़ नाबाद 105 रन व आर्यन के नाबाद 37 रनों की मदद से अरविंदो के समक्ष 168 रनों का लक्ष्य रखा। अरविंदो की टीम 92 रनों पर ही सिमट गई। अरविंदो को 86 रनों से पराजित कर हरमो की टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। शतक लगाने वाले रिशु को मैन ऑफ द मैच से पुरस्कृत किया गया। दूसरा सेमीफाइनल केवल टाउन एवं KCA जमशेदपुर के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल टाउन जमशेदपुर की टीम 90 रनों पर ही सिमट गई। जवाबी पारी में KCA ने वीर कुमार की 83 रनों की पारी के बदौलत 15 ओवर में 8 विकेट से मैच जीत लिया और फाइनल में जगह बनाई। 14 रन देकर 3 विकेट लेने वाले सक्षम वर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। ये भी महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची से हैं और अंडर 14 में खेलते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।